नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2019 के ऑक्शन के बारे में, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, बात करें आईपीएल के ऑक्शन की टाइमिंग की, तो ये होगा 2:30 बजे से शुरू होगा, जो कि मेन होगा वो 3 बजे से चालू होगा। अब दोस्तों, बात करें इसके वेन्यू की, तो ये होगा जयपुर में, जिसमें करीब 346 खिलाड़ी इसके हिस्सा होंगे। अब बात करें कितने खिलाड़ी बिकने वाले हैं, तो दोस्तों 70 खिलाड़ी होंगे जो बिकने वाले हैं। अब दोस्तों, बात करें इसके ऑक्शन ईयर की, तो इसके पहले ऑक्शन ईयर जो थे वो थे रिचर्ड मेडली, अब उनके स्थान पर एंट्री हुई है हक्स एमिट्स की, जो कि इस बार आईपीएल की ऑक्शनिंग करेंगे। अब दोस्तों, बात करेंगे कि आप ये इसे किस चैनल पर लाइव देख सकते हैं, तो आप इसे स्टार स्पोर्ट के नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करें कौन कौन से चैनल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है, तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है स्टार स्पोर्ट 1 HD पर, स्टार स्पोर्ट हिंदी पर, स्टार स्पोर्ट हिंदी HD पर, स्टार स्पोर्ट फर्स्ट पर, स्टार स्पोर्ट तेलुगू पर, स्टार स्पोर्ट तमिल पर, स्टार स्पोर्ट सिलेक्ट 1 पर, स्टार स्पोर्ट 1 HD पर। दोस्तों, ये होंगे वो चैनल जिन पर आप लाइव देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करें कि आप इसे मोबाइल में किस पर लाइव देख सकते हैं, तो आप इसे मोबाइल पर हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हॉटस्टार पर अगर आपको लाइव देखना है तो उसमें आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और अगर आप प्राइम मेंबरशिप नहीं लेने वाले हैं तो आप इसके आपके लिए ऑक्शन 1 घंटा देरी से शुरू होगा। तो इससे बढ़िया है कि आप टीवी पर देख लीजिए। दोस्तों, इस बार के आईपीएल ऑक्शन में काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ियों ने नाम दे दिया है, तो इसमें काफ़ी बड़ी रोमांचक होने वाली है आपके लिए आईपीएल का इस ऑक्शन, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। ब्रेंडन मैकलम, युवराज सिंह, जयदेव उनादकट, डेल स्टेन, लसित मलिंगा, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो आपके दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।